पास में
संगल लगाओ में राष्ट्रीय पर खिताब जीता इसी सीजन में और उस दिन के बाद गोपी सोमवार भाई पंख राज के छोरा लामो है और लामो जो इंसान है कुछ नहीं कर सकता भाई देखिए उनका सुधार सोनुकुराना है भाई फैसला में प्यार से प्यार से प्यार से बाबा के प्यार से प्यार से भाई देखिए भाई रेफरी के साथ आप फैसला करें भाई प्लीज प्यार से कोई खिलाड़ी ऐसे करता है तो उस खिलाड़ी को भाई बाहर कर दो आप बिल्कुल रेफरी के फैसले को मान सम्मान ले और रेफरी ने फिलहाल रेफरी को पॉइंट दिया है अपील करें खिलाड़ी इस तरह का कोई भी आप ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं है बिल्कुल खिलाड़ियों हमारे लिए खिलाड़ी और रेफरी दोनों सम्मान है प्लीज भाई रेफरी के साथ भी अच्छा व्यवहार करें आप अपनी अपील कर सकते हैं अगर जो सही होगी तो मान्य होगी नहीं सही होगी तो दे दिया जो देना है इन्होंने बिल्कुल भाई चलिए प्यार से भाई प्यार से बिल्कुल सारे खिलाड़ी हमारे लिए सम्मानित है और बहुत ही अच्छा खेल मेरा चल रहा है बिल्कुल उच्च कोटि का मैच है दर्शक भी जानते हैं भाई बराबर के मैच में लोग जो होते हैं लेकिन दर्शकों से रिक्वेस्ट है भाई अगर टूर्नामेंट में सही नजारा ले भाई हर दर्शक ताली अरे कौन है वो ये हमारा उमदर जी कह रहा है कि भाई मैच खेल लो इस तरह बदतमीजी ना करे किसी हाँ जी अच्छा तो अच्छा कर बढ़िया कर बिल्कुल ओमदत है ये गूंगा है और कबड्डी का खिलाड़ी रहा हमारे गांव का ही है बिल्कुल जी बिल्कुल हाँ सभी दर्शकों को ये खड़ा हो गया खुद ये भी इतनी सोच है इसको भी रात करवाओ जी रेड करवाई और अर्जुन दर्शक सुनो सुनो गुरु जी रुकिए देखिए भाई सुनो मैच कंटिन्यू रहेगा आपके भी मान लिया तीन कमेटी देखने जा रही है सुनो कोई दिक्कत नहीं कमेटी देखने जा रही है आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट मान ली है और ये रेफरी का रिव्यू दिया गया है जाओ भाई कोई दिक्कत नहीं चीफ रेफरी हाँ बिल्कुल रेफरी ने कह दिया कि सुनो भाई दो कमेटी आज में और बबरू मान जी अगर सही मैच कंटिन्यू रहेगा ना मैच नहीं रुकेगा बबरू मान जी मैच कंटिन्यू रहेगा भाई 5,500 रुपए का अनुदान आपने दिया बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी राजेश मास्टर जी ने 5,500 रुपए का सहयोग हमारी कमेटी को दिया है पहले तो सम्मानित कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका और भाई देखिए निगम करनाल में कमेटी का महत्व बना 36 अक्टूबर को देखो रडार के खेल सकते हैं 32 नाम है 11 बजे तक आ गया मैं राष्ट्रीय पर का चलन मेरा मशीन लेते हैं और मैं इतना मदद फिर आएगा रेड में भाई अगला महाकुंभ हरियाणा प्रदेश में निगम करनाल में होगा शिमला में आएगा मैं इतना मदद शिमला मैच और मैं इतना मदद सफल रेड भाई सफल रेड में मैं इतना मदद की और भाई एक पॉइंट की दरकार है जी यहाँ पर सोंगल टीम को जीतने के लिए हाँ और चीफ रेफरी भाई नहीं ना एक बार कमेटी है तो आप देख लो आप चीफ रेफरी मैच को कमेटी के साथ देख लो अब रोका जा सकता है भाई क्योंकि अगर पॉइंट सोंगल को मिल जाता है तो सोंगल इसमें जीत जाएगी नहीं तो मैच कंटिन्यू रहेगा खिलाड़ी को न जाए मैं अपनी हासिल को प्रार्थना है और लाइन के बाद इनसे मैं एक बार फिर अपील करना चाहता हूँ हरियाणा प्रदेश के दर्शकों और खिलाड़ियों से 26 अक्टूबर को हरियाणा का इस सीजन का सबसे बड़ा खेल मेला है सम्मानित करेंगे बहुत बड़ा महाकुंभ है जिसमें दो खिलाड़ी बाहर के खेल सकते हैं और राज्य खेल गाँव की तरह 32 टीमें हैं 32 नाम है 11 बजे तक सभी टीमें पहुंच जाए भाई पहला नाम 61,000 दूसरा 21 सेमीफाइनल में 21,000 क्वार्टर फाइनल में 51,500 प्री क्वार्टर में 33,300 फर्स्ट राउंड में 21,100 बेस्ट रेडर के सबको मुर्रा में फिर जाती है भाई 26 को फाइनल हो जाएगा भाई अमित राणा हमारे कमेटी के प्रधान भाई बंदी प्रधान भाई देख रहे हैं पूरे राणा का आनंद देखते रहे चार टीमें पंजाब के हैं साथ में भाई जस्सी राणा और भाई जस्सा फौजी और भाई हमारा पूरा अंगाराई परिवार से भाई अमित राणा की बात है संदीप राणा की बात है जितने भी अंगाराई भाई हैं सभी की तरफ से अपील है पूरा हरियाणा सातरा मंत्री खेल मैदान पर आ जाइए और लाइन चलेगा इसी
पशुपालन यूट्यूब मन चैनल पर जिस भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और हरियाणवी सटेज ऐप बोली में अपनापन है भाई अपने खेल में अपनापन मानना है और सटेज ऐप पर सरकार के बड़े लाइव शुरू हो गई है 26 अक्टूबर का महाकुंभ लाइव चलेगा भाई और जिसका पॉइंट है उसका दो जी हाँ जिसका पॉइंट है उसको मिलना चाहिए बारो की आप चीफ रेफरी को पॉइंट दो चाहे रिव्यू चाहे दो बार चार बार देखिए भाई ये हम स्पेशल अपील है भाई खिलाड़ी का काम खेलना है रेफरी का काम नंबर देना है अगर ऑफिशियल रूल दे दिया है तो चाहे कई बार देख लो लेकिन जिसका है उसको मिलना चाहिए तो सारे खिलाड़ी हमारे लिए बराबर है सारी टीमें हमारे लिए बराबर है भाई कोच सारे कोई खिलाड़ी जोड़ रहे हैं भाई कोच सारे एक में हाँ जी भाई राजेश मास्टर जी मलिक साहब ने हमारी कमेटी को 5100 रुपए का अनुदान दिया है बहुत बढ़िया समाज से तालियां बजाकर स्वागत करें भाई मलिक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद आपका मास्टर जी आपने नेक कमाई से हमारी इस खेल प्रतियोगिता में दान देने का काम किया बहुत बहुत धन्यवाद अगला मैच भाई थोड़ा सा चलेगा देखिए भाई और इसी के साथ भाई मैच समाप्त हो गया।